दिल्ली की इस वड़ा पाव वायरल गर्ल के बारे में किसने नहीं सुना होगा। आजकल सोशल मीडिया पर ये एक वायरल सेंसेशन है, लेकिन वायरल होने के बाद जब से इनकी कार्ट पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हुई है, तब से ही ये काम के प्रेशर के चलते काफी बीमार भी हो रही हैं। अचानक से मुझे पता नहीं कुछ चक्कर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो उस वजह से मैं कार्ट पे भी नहीं खड़ी हो पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने बैठना जरूरी समझा है, वरना वहाँ मैं नहीं खड़ी हूँ तो पॉसिबल ही नहीं। इसके साथ साथ इन्होंने अब अपनी कार्ट पर कुछ नियम भी रख दिए हैं। क्या है ये नियम, आइए आपको इन्हीं से सुनवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 18 न्यूज़ में। उसी बात चंद्रिका गेरा जी आपको या पाओ वायरल गर्ल बोल, चंद्रिका गेरा दीक्षित भी बोल सकते हैं, वायरल बड़ा पाओ गर्ल भी बोल सकते हैं। इस समय कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि काफी दिन से आप और काफी देर से वायरल हो, सो अभी का क्या है फीलिंग्स? पहले बहुत सही था या अभी बहुत सही? पहले भी सही था, अभी भी सही है, वही डाउन टू अर्थ वाली चंद्रिका है, कोई घमंड नहीं आया, कोई वो नहीं आया, वही रोज अपनी वड़ा पाव कार्ट पे खड़ी होती है, लोगों को प्यार से वड़ा पाव खिलाती है। कुछ रूल सेट कर चुकी है वड़ा पाव गर्ल अपनी कार्ड पे आने के, टाइमिंग के, पास आने के, इंटरव्यू करने के, ये क्या रूल्स है थोड़ा सा बताओ। रूल्स पता है एक चीज होती है, मैंने रूल सेट नहीं करा, मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो जो भी बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रिका गेरा दीक्षित क्या है ये मुझे पता है, और जो मुझे अच्छे से जानते हैं उनको पता है। बट ब्लॉगर्स है ना, कंटिन्यू मुझसे एक ही क्वेश्चन रिपीट 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 करते ऐसे ही खड़े होते हैं, मैं कस्टमर पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, मेरे कई कस्टमर खाली चले जाते हैं, तो फिर वो 8 बजे मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जैसे यहाँ बैठी हूँ 8 बजे के बाद मैं यहीं बैठती हूँ, सब आके मुझसे इंटरव्यू ले लीजिए, मैं सबका जवाब दूंगी, चाहे आप जो बनाना है आपको। पहले आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, काफी लोग जो है वो नहीं खा पा रहे थे आपका वड़ा पाव, क्योंकि खत्म हो जा रहा था। रीजन ऐसा होता था कि 25-25, 30-30, 50-50 भी पैकिंग जाता था, तो अगर एक ही पर्सन 50 वड़ा पाव पैक करा के ले जाएगा तो फिर नेक्स्ट वाले को उतना मिल नहीं पाएगा, तो उसके लिए मैंने एक अपना करा था कि 4 से 7 बजे तक 10-10, 10-10, उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक 4-4, 4-4, तो लोगों ने उसका भी पॉइंट उठा दिया कि दीदी में घमंड आ गया, 4 ही वड़ा पाव देती है। अगर मैं आप ही से क्वेश्चन करूंगी कि अगर आप 9 बजे आए हो मेरे पास और आपने सिर्फ एक वड़ा पाव मुझसे मांगा है और मैंने मना कर दिया कि नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा ना बुरा। और आपसे पहले बंदे को मैं 10 वड़ा पाव ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अगर उसको 10 ना देते हुए 4 देती तो आपसे 2 कस्टमर और फ्री कर सकती थी मैं। अच्छा, क्योंकि सभी को पता है चंद्रिका गेड़ा की क्या कहानी है, क्यों उन्होंने ये स्टॉल शुरू किया, सब कुछ सबको पता लग गया, मगर उसके साथ साथ कई कंट्रोवर्सीज भी हुई आपके साथ, छोटी बड़ी होती है, जैसे कि कई लोगों ने आपको हटाना चाहा यहाँ से। हाँ। उसका अभी क्या स्थिति है? अभी सब नॉर्मल है, सब स्टेबल है, और कोई मुझे बस जो कंट्रोवर्सी चल रही है वही चल रही है, और कहते हैं रोजगार मैंने छीन लिया है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है आप मेरी पूरी लाइन को देखेंगे, इनफैक्ट मेरे अलावा यहाँ 4 वड़ा पाव कार्ड और कई ज्यादा और वड़ा पाव वाले भी सारी चीजें, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी का बिजनेस छीन लिया। इनकम टैक्स देना शुरू कर दिया सर, 40 रुपए में इनकम टैक्स करवा रहे हो आप मुझसे? करूंगी, अगर वो भी चीज होगी, मेरा मालिक चाहेगा मुझे और तरक्की देगा तो मैं वो भी करूँ। GST भर रहे हैं? सब करती हूँ, पहले से करती हूँ। आप एक चीज और, अब काफी लोगों ने, काफी जितने भी आपकी वीडियोस वायरल हुई उसमें काफी लोगों ने आपसे इनकम पूछी कि आप कितना कमा रहे हैं, तो आपने आपने बताया नहीं प्रॉपरली। मैं एक्चुअल में बताती हूँ आपको कि मैं कभी, अब मेरा मोबाइल मेरे हाथ में नहीं रखते, मेरे भाई हैं, सारा हैंडल वही करते हैं मेरा अकाउंट। दूसरी बात ये होती है कि जब मैं उस घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ रोटी गिन के नहीं खिलाई जाती और ना पैसा गिना जाता है, कहते हैं लक्ष्मी है उसको गिनो मत। मगर चंद्रिका जी, ये बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, सब होता है, आप मटेरियल भी ला रहे हो। सर मैं एक वो लड़की हूँ जो 2 साल से अपना बिजनेस कर रही है, मैंने प्रॉफिट लॉस तो देखा ही नहीं सर, मैं हमेशा एक ईमानदारी और मतलब एक कहते हैं ना कि हाँ मुझे लोगों को खिलाना बहुत पसंद है, खाना कि हाँ लोगों को मेरा टेस्ट पसंद आ जाए, मुझे पैसे नहीं, पैसे तो पूरी जिंदगी पड़ी है मेरी, मालिक ने जितनी उम्र दी है ना मैं पैसा कमा लूंगी, मैं जहाँ खड़ी होंगी ना सर मुझे पता है मैं पैसा कमा। प्रोफेशनली कुकिंग करते थे? मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। बैकग्राउंड क्या, स्टडीज क्या है आपकी? नानी माँ मेरी डॉक्टर थी, और हमको स्टार्टिंग से ही जब स्कूल से हम पढ़ के आते थे ना तो हमसे 5-5, 10-10 रोटियां बनवाई जाती थी, बच्चे थे हम 8-8 साल के, ताकि हम वो कहते थे कि पढ़ाई तो होगी होगी पर आपको ये भी करना है, तो वही चीज आज मैं शुक्रिया करती हूँ उनका कि उन्होंने मुझे बचपन से वो चीज सिखाई है।
सो उसके बाद कॉलेज कहाँ से हुआ? मेरा बीए कर रखा है मैंने इंदौर से कर रखा है, उसके बाद मेरा हल्दीराम में जॉब लगी, मैंने दिल्ली में अप्लाई किया, सारी चीजें करी, फिर शादी हुई, फिर बच्चा हुआ, और बच्चा होने के बाद एक बेबी के साथ कंटिन्यू जॉब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था बस। तो फिर उसके बाद घर में बैठना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, परिवार को चलाने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन लगा। बड़ी बार आपको खड़ा हुआ देखा है मगर मैं आज आपको यहाँ पे बैठा हुआ देखा हूँ। एक्चुअली आज एक रीजन है, अचानक से मुझे पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो उस वजह से मैं कार्ट पे भी नहीं खड़ी हो पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने बैठना जरूरी समझा है, वरना वहाँ मैं नहीं खड़ी हूँ तो पॉसिबल ही नहीं। क्या टाइमिंग रहती है आपके बड़ा पाव के? 4 बजे से 8:30। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम विकास। कहाँ से आये विकास? सोनीपत हरियाणा से। सोनीपत हरियाणा से यहाँ पे बड़ा पाव खाने क्यों आया? बस नाम सुना हुआ था मैडम का काफी, हमने हम भी खा के आज भाई सारे मैडम खाना, चारों तरफ वायरल हो रखी है मैडम, अच्छा है, काम कर रही है, सुना है रोड का नाम भी ना था मैडम की वजह से नाम हो गया रोड का। अच्छा, तो कैसा लगा खा के? बहुत स्वाद। पहली बार खाया वड़ा पाव? हाँ पहली बार खाया यहाँ पे मैडम का, तो पहली बार खाया। वड़ा पाव खाया आपने कभी? ना ऐसा नहीं है, नहीं खाया। बॉम्बे में रह के आया भाई, जिसने वहाँ पे भी नहीं खाया। ऐसा वहाँ पे भी नहीं खाया ना, मुंबई में भी। मैम आपका नाम? अलीशा। कहाँ से आया मैम आप यहाँ? दिल्ली से। कैसा लगा आपको? मुझे ठीक ठीक लगा, जितना हाइप हो रखा है ना कि वड़ा पाव गर्ल वड़ा पाव, वो टेस्ट नहीं लगा मुझे। इससे अच्छा मैं इजिली में एक वड़ा पाव वाला उसका इनका नहीं अच्छा लगा। मगर आप फिर भी इस दिल्ली से यहाँ पे क्यों आए फिर? अगर वहाँ पे नहीं, जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, सोशल मीडिया कुछ भी बोलती हूँ, क्या चल रहा है वड़ा पाव गर्ल से, क्या चल रहा है, मैंने कहा क्या भाई हम सारे, मैं अपने बेटे को भी लेकर आई हूँ, सबको लेकर आई हूँ, बट मुझे टेस्ट नहीं आया। नाम है भैया आपका? मेरा नाम हन्नी गुप्ता भैया, मैं ईस्ट दिल्ली से आया हूँ स्पेशल खाने के लिए, लेकिन जब मैं आया था ना यहाँ पर तो इनकी रेडी नहीं लगी हुई थी, दूसरी कार्ट लगी हुई थी थोड़ी सी आगे आप देखोगे, तो भूख बहुत तेज लग रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो हमने सबसे पहले वहां से 2 वड़ा पाव लिए सिर्फ टेस्ट करने के लिए। आप विश्वास मानेंगे, मेरे से अभी तक 2-3 यहाँ पर ब्लॉगर्स ने बोला कि वीडियो बनाने के लिए, मैंने कहा जब तक मैं इनका टेस्ट नहीं करूंगा मैं तब तक नहीं कुछ भी किसी को भी बताऊंगा। उनका लिटरली बहुत स्वाद था, इससे बहुत ज्यादा टेस्टी था। टेस्ट की अगर आप बात करोगे तो ये 40 नंबर और उसको 100 नंबर। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज 18 के लिए।